कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं कल, और इसका शिलान्यास रखने के तुरंत बाद फुल फोर्स में काम चल जाएगा। एम्स का तो यही है कि नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ओपीडी खुली जाएगी, सारी बढ़िया जो एम्स दिल्ली वाली स्थिति है वो सारी की सारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन रेवाड़ी एक सस्ते दाम का मेडिकल सेंटर बन जाएगा, जैसे कि गुड़गांव बन गया है उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, जिनके पास पैसा है। रेवाड़ी उन लोगों के लिए बन जाएगा जिनके पास इतना पैसा नहीं हो, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, सबको यहाँ पर वो चिकित्सा मिलेगी जो सबसे फर्स्ट क्लास होती है, एम्स के अंदर मिलती है। प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे को जरा समझा दूँ कि 1000 साल तक जो इतिहास कहता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत का विश्व की GDP के अंदर 24% से 27% तक का हिस्सा रहा करता था। फिर अंग्रेज़ आ गए, और जब अंग्रेज़ हमारे को छोड़ करके गए, उस टाइम हमारा केवल 3.5% हिस्सा विश्व की आर्थिक स्थिति के अंदर छोड़ करके गए। उसके बाद 75 साल हमको आज़ादी मिली, तो हम जैसे मैंने पहले बताया कि हम 10वें स्थान के ऊपर 14 के अंदर थे, आज के दिन 5वें या 4थे स्थान के ऊपर हैं, आने वाले समय के अंदर 30वें स्थान पर पहुँच जाएंगे। ये सारे किस चीज़ के बलबूते के ऊपर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो विकसित होगा। क्या चीज़ तय होगी? एक तो ये हमारी एम्स की यहाँ पर माजरा के अंदर हो रही है। गुड़गांव के अंदर 5,500 करोड़ का मेट्रो मंजूर किया था कैबिनेट ने, केंद्र कैबिनेट ने, उसका भी फाउंडेशन स्टोन लगने जा रहा है। यमुनानगर का 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट है, सो लगने जा रहा है। एक हांसी, रोहतक और हांसी से रोहतक का जो रेल लाइन है, रेल ट्रेन चलने वाली, वो होने 2 साल में तो लग जाएगा इसको बनने के अंदर। जो हम जो इनके ठेकेदार हैं ना, वो कहते हैं कि हमको 2 साल लगेंगे, ये तो दिस इज प्रस्तावित, और उससे पहले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन OPD जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो, पहले से ही था। RRTS नाम है इसका, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, और ये हमने प्रस्तावित था नीम राणा तक का, अलवर का, और उसके अंदर अभी तक धारवाड़ा तक तो मंजूर हो ही रहा है, काम चलने लग रहा है। ये थोड़ी रुकावट मैंने सुना है आ गई है कि भाई बावल तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके बारे में हम इस फंक्शन के बाद प्रयास करेंगे और बावल तक तो कम से कम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हब है हमारा इंडस्ट्रीज़ का दक्षिण हरियाणा का बावल।